Welcome to the Kurla Fish series. I am at Dolphin Aquarium in the Kurla Fish market. ये जो वीडियो cichlids के बारे में है, इसके पहले मुझे थोड़ा बहुत आपको बताना है कि जो Dolphin Aquarium का पहला वीडियो था उसमें मैंने सद्दाम भाई का नंबर दिया था और हमने वीडियो के स्टार्टिंग में क्लियर बता दिया था कि आपको अगर होलसेल में चाहिए, ज़्यादा फिशेस चाहिए तो ही आप इनको कॉन्टैक्ट करें. पर बहुत से लोगों ने उनको सिंगल फिश, दो फिश, ऐसे दो तीन फिश के लिए डिमांड की थी कि आप इसे भेज दीजिए आउट ऑफ महाराष्ट्र, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी भाईजान को. तो हमने जो है स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि आपको अगर क्वांटिटी में लेना है, डजन्स में लेना है, तो ही आप उनको कॉल करके डिलीवरी लें. पर बहुत से लोगों ने जो है क्वांटिटी के लिए पूछा नहीं, खाली एक दो फिश के लिए पूछा और उसकी, और ये जो है एक दो फिश डिलीवर नहीं कर सकते आउट ऑफ महाराष्ट्र. तो इसलिए वो वीडियो में से जो है भाईजान का नंबर डिलीट कर दिया गया है. सो अगर आपको इनके फिशेस में इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्टली इनके शॉप में आ जाइए, कुरला फिश मार्केट में, नेहरू नगर में, राइट साइड में जो है डॉल्फिन एक्वेरियम का आपको बोर्ड दिख जाएगा. तो सो यू कैन कम एट द शॉप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द फिशेस. द नंबर विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ड्यू टू द प्रॉब्लम्स दैट इज बीन फेस्ड बाय मिस्टर सद्दाम. सो टुडे विल बी टॉकिंग ऑन द cichlid फिश. आई एम विद द ओनर हिमसेल्फ. तो सद्दाम भाई जान, सबसे पहले मुझे बताइए कि अफ्रीकन cichlid से या अमेरिकन cichlid से? अफ्रीकन cichlid. अफ्रीकन है ये जी. ओके. और इसके अंदर कौन सी टाइप्स है cichlid की? इसमें फाइव कलर है, डॉल्फिन है जी, रेड पिकॉक है और फायर मॉथ है जी, इलेक्ट्रिक ब्लू है और स्ट्रॉबेरी है. हाँ हाँ. भाईजान बहुत से जो है नियोन अकारा भी है. ओके. बहुत से लोग जो बोलते हैं कि cichlid जो है वो लेके जाते हैं दुकान से, उसके बाद में उनके घर में मर जाती है. बहुत से लोग पूछते हैं कि ज़्यादा नमक नहीं डालते या हीटर नहीं लगाते, आप क्या सजेस्ट करेंगे? घर में लेके जाते हैं हमारे व्यूवर्स, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कैसे रखें इनको कि ये मरे नहीं? पहले तो जो इसको लेके जाने का ना, तो बैग ओपन करके 10 मिनट छोड़ देने का. अच्छा. उसके बाद में पानी के साथ में इसको पलटी कर देने का. ओके. और पानी इसका जब गंदा हो तभी चेंज करने का. अच्छा. ऐसा नहीं चेंज करें, ऐसा होता है तो बॉडी में ना बॉडी स्पोर्ट्स सब लग जाता है, तो इसके लिए वो मर जाते हैं. अच्छा. तो हीटर वगैरह लगाना पड़ता है इनको? इसको हीटर नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती है. और क्या हम अफ्रीकन अमेरिकन मिक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते. मिक्स कर सकते ना, कोई मुश्किल, क्योंकि वो एग्रेसिव हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने लग जाती है. तो इसके ऊपर क्या सुझाव देंगे आप? कोई तकलीफ, उनको टाइम टू टाइम फीडिंग मिलना चाहिए ना, कोई तकलीफ नहीं रहेगा. अच्छा. अगर फीडिंग की बात की आपने, तो आप फूड क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सा फूड हम लोग खिलाएं? cichlid फूड एक आता है. कौन से ब्रांड का भाई? वो टायो का रहता है. टायो का जी. ओके. और उसके बाद अगर इनको जो है हमको साथ में रखना है, तो अगर ये एग्रेसिव नहीं हो तो उसके लिए फीडिंग अच्छे से दे. दिन में कितने बार दें? दिन में कम से कम 2 से 3 टाइम देना पड़ेगा. ओके. तो अभी बात करते हैं आपके इनके प्राइजेस के बारे में. तो एक जोड़ी का क्या रेट है आपके पास? जोड़ी इसका 500 रुपये है. 500 रुपये जोड़ी है. और अगर कोई ज़्यादा लेना चाहेगा तो? ज़्यादा लेना चाहेगा तो पर पीस 200 का पड़ेगा. अच्छा. फिर एक पीस 200 रुपये का पड़ेगा. मैं हमारे व्यूवर्स को बता दूं कि नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है एक दो फिश के लिए कॉल करके एक दो फिश के लिए फ़ोन करके पूछते हैं कि एक दो फिश डिलीवरी कर दीजिए, तो जो है एक दो फिश डिलीवर नहीं होती है. अगर आप डजन ले लेते हो, क्वांटिटी में लेते हो, तो ही ये कर पाएंगे, उसे ट्रांसपोर्टेशन से डिलीवरी कर पाएंगे. इसलिए नंबर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. इन फिशेस की जो प्राइजेस है, इफ़ यू आर बाइंग देम इन क्वांटिटी देन आपको एक फिश जो है 200 रुपीज़ का पड़ेगा, और इफ़ यू विश टू बाय देम इन पेयर्स तो आपको 500 रुपीज़ फॉर पर पेयर मिलेगा. तो यहाँ पे जो है लोकल cichlids है, इनकी प्राइस में थोड़ी सी मेरे ख्याल से कमतरती रहेगी. भाईजान इनकी प्राइस क्या है? पैर 300 रुपीज़ का है. तो ये आपको जो है जोड़ी 300 रुपये की मिलेगी. और ये भी मतलब आप उन cichlids के साथ रख सकते हो. अगर जैसे कि भाईजान ने बताया कि आपको खाली इन फीडिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, फीडिंग अच्छी देनी है, तो ही ये अच्छे से रह पाएंगे. और भाईजान आप क्या सुझाव देंगे कि व्यूवर्स जो है इनको किस किस फिश के साथ रख सकते हैं कि ये साथ में रहे अच्छे से? पैरेट में जाएगा, ऑस्कर में जाएगा और सारी cichlid वैरायटी में हम इनको रख सकते हैं. सो दिस वॉज टुडेज वीडियो अबाउट द cichlids अवेलेबल एट डॉल्फिन एक्वेरियम. I'll remind you again that the number will not be provided in the description. If you are interested in buying this particular fishes, you can come at their shop and buy this particular fishes. If you like the video, do hit the thumbs up button and make sure you stay tuned to watch some more upcoming interesting videos coming soon on SG Inceptions. Thank you so much for watching.